क्या हुआ पापा? संभाल के, आराम से। पापा संभाल के, बहुत चोट लगी। संभाल के, संभालिए। हमसे पैसे लेकर हम ही को चोर बता रहे हैं। छोड़िए, अरे बड़े घर में घुस के शेर बनते हैं, हिम्मत है तो बाहर आ। हमारी हिम्मत देखना चाहते हो? बता चोट लगी आपको? क्या हुआ, क्या हुआ गुड्डा, क्या हुआ बेटा? माँ कुछ नहीं, वो अरे कुछ नहीं दुल्हन, बस थोड़ी सी चोट आई है। इतनी चोट कैसे लगी आपको, बताइए क्या हुआ? चलिए यहाँ नजर ना आ जाए। आप अंदर जाइए, आप छोड़ो घर, चलिए आप देखिए। चलिए बाबू अंदर, चलिए आप, चलिए आप अंदर, चलिए तुम चलो, जो शांत हो जाइए आप, चलिए गोली मत दीजिए। वरना क्या कर रहे जाओ यहाँ से। शराफत से कह रहा हूँ, आप जाइए, ले जाइए भाभी जी, चलिए आप घर, चलिए जाइए यहाँ से, वरना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, जाइए। चलिए आप सीधे घर चलिए। जानती नहीं हो, हाजी साहब ने मेरे साथ किया है, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़िए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। इतनी चोट लगी आपको बेटा? आइए आप अंदर आइए, मैं दवाई लगा देती हूँ, आइए। चलिए पापा। अरे लोगों ने इतनी बेइज्जती की है, अब चलिए ना। इस तरह के क्या लोग हैं ये? सब बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। की असलियत देखी आपने भाई साहब? एक ढेला भी नहीं निकाला और ऊपर से हेकड़ी देखी, यह है खोखली असलियत इन लोगों की। लेकिन कुल, क्या मैं तुम्हारी असलियत जान सकता हूं? मेरी असलियत? आप क्या बात लेकर बैठ गए भाई साहब? मुझे उनकी बातें बुरी लगी, बेशक बुरी लगी, लेकिन मुझे सबसे बुरी बात वो लगी जो वाजपेयी जी ने तुम्हारे बारे में बोली। यानी आप उनकी बातों में आ ही गए? नहीं कुल, उनकी बातों में नहीं आना चाहता, इसलिए तो तुमसे सुनना चाहता हूं। कहीं ये सच तो नहीं कि चंद रुपए बचाने के लिए तुमने अपनी तरफ की कॉमन वॉल बनवाई ही नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। और मैं आपके सवाल पर ताज्जुब कर रहा हूं भाई साहब। यानी वो बात गलत है ना? आपका सवाल गलत है भाई साहब। यहां मैं आपकी पाई पाई के लिए लोगों से तकाजा कर रहा हूं, उनके दरवाजे खटखटा रहा हूं, उनकी गालियां सुन रहा हूं, इस दिन के लिए क्या आप मुझे पर उंगली उठाए? देखो कुल, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। जो बात वाजपेयी जी ने कही थी क्या वो? हाँ ये सच है। हमने अपने तरफ की कॉमन वॉल नहीं बनवाई, ये सच है। ये सच सुन लिया आपने? और अगर आप सच सुनने के लिए बैठे हैं तो ये सच भी सुन लीजिए कि जो सच आपने अभी अभी सुना वो एक लंबी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। वाजपेयी साहब ने ये इल्जाम मुझ पर लगाया, मैं ये इल्जाम आप पर लगाता हूं।